हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक कप पोहे से बनी हुई दो तरह की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ी और इतनी ज़्यादा डिलीशियस हैं कि अगर एक बार इसको आप बनाएंगे तो बच्चे बड़े सभी बड़े चाव से खाएंगे और बार बार यही रेसिपी मांगेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आपका स्वागत है किचन अर्चना का में। तो चलिए बनाते हैं सुपर डिलीशियस पोहे का नाश्ता। तो यहाँ पे एक कप मैंने पोहा ले लिया जिसको ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा बारीक वाली सूजी ली है, आप चाहें तो मोटी वाली भी सूजी ले सकते हैं। और इसका एक बहुत ही स्मूथ सा पाउडर बना लेंगे, मतलब एकदम चिकना। बार बार चला चला के इसको हाथों से देखेंगे कि कैसे ये स्मूथ हो गया, जैसे आटा होता है वैसा ही इसका पाउडर बनाना है। अब इसको एक बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर यहाँ पे एक ग्लास भर के या एक कप भर के मैंने गर्म पानी लिया हुआ है। गर्म पानी में इसको थोड़ा थोड़ा डाल के सोक करने के लिए इस तरीके से भिगो के रख देंगे ताकि जो सूजी है वो हमारी अच्छी तरीके से फूल जाएगी। ठंडे पानी में भी कर सकते हैं, बट अगर आपको जल्दी बनाना है तो गर्म पानी का यूज़ कीजिए, जिससे कि सूजी हमारी बहुत जल्दी ही फूल जाती है और आटा गूंथने में प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अच्छे से फूल चुका है, तो इसको हाथों से मैश कर करके हम चिकना कर लेंगे ताकि ये जब डोब अच्छे से चिकना हो जाएगा तो इसका जो नाश्ता भी बनाएंगे वो भी बहुत ही मस्त बनेगा। तो इस तरीके से हम इसको हाथों से मैश कर करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मिक्स हो चुका है। अब इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। जब 5 मिनट हो जाए तो इसको फिर से वापस खोल के देखेंगे। तो अब इसमें हम डालेंगे 2 उबले हुए आलू, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा इस नाश्ते पे क्रंचनेस, मतलब क्रिस्पी और टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे मैंने 2 आलूओं का यूज़ किया है उबले हुए, आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इन आलूओं को मैं कद्दूकस करके डालूंगी ताकि कोई भी गाँठे न रहे और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आलू कहीं पे भी अच्छे से दरदरा या मोटा टुकड़ा नहीं रहता है, अच्छे से बराबर हो जाता है। अब यहाँ पे 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 चम्मच ये मेरा स्पेशल मसाला है जो कि मैंने डाला हुआ है इसमें। हल्दी, धनिया, मिर्ची, आमचूर पाउडर, नमक, ये सारी चीज़ें हैं। 2 हरी मिर्ची कट की हुई, ढेर सारा धनिया पत्ता, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चिली फ्लेक्स कम भी कर सकते हैं या नहीं भी डालें, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल के इन सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाले हैं, आलू है, वो अच्छे से इस डोब के साथ मिक्स हो जाएगा। और फिर जब हम इसको खाएंगे तो हर जगह हमें बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें टेस्ट कर रही हूँ नमक के, नमक प्रॉपर है कि नहीं, कम या ज़्यादा तो नहीं है। तो यहाँ पे नमक परफेक्ट है। तो देखिए इसको मैंने हाथों से गूंथ लिया और देखिए कितना चिकना हो गया है। अब इसको जिसमें सेट करना है उस बर्तन को हम अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि ये नाश्ता चिपके नहीं। तो यहाँ पे मैंने चकला ही ले लिया है, इसमें 1/2 डोब को इसमें डालूंगी पूरा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा और बहुत मोटा हो जाएगा। अब इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा ऑयल लगा लगा के हम अच्छे से चिकना कर लेंगे, एकदम बराबर सेट कर लेंगे जैसे हमें बनाना है। और फिर इस तरीके से चकले में डाल डाल के जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से, या आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं, आप किसी पैन में या बर्तन में जमा सकते हैं इसको, थोड़ी देर जमा के फ्रिज में रख सकते हैं अगर आपको जल्दबाजी नहीं है। तो मैं इस तरीके से इसको स्पैचुला से दबा दबा के चारों तरफ से इक्वल साइज़ करूंगी और एकदम बर्फी जैसे नहीं जमाते हैं उस तरीके से इसको जमा देंगे। तो अभी ये थोड़ा गीला लग रहा है क्योंकि मुझे तुरंत ही बनाना था, आप चाहें तो इसको ऐसे सेट करके थोड़ी देर फ्रिज में रख सकते हैं, फिर इसकी कटिंग करें तो ये इजीली कट हो जाता है, बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। तो ये देख सकते हैं मैं इसको इस तरीके से स्क्वायर शेप दे रही हूँ, आप जो भी शेप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। तो मैं आधे नाश्ते को इस तरीके से इस शेप में बना रही हूँ और आधा अभी आगे आप देखेंगे कि मैं कैसे और उसको कितना ज़्यादा टेस्टी में बना रही हूँ। तो ये यहाँ पर हमारे सारे पीस कट हो गए हैं क्योंकि थोड़ा सा ये चिपक रहा था, तो मैंने थोड़ा सा तेल लगा के और इस तरीके से इसको पीस अलग करके निकाल लेंगे। तो चलिए अभी तेल यहाँ पे अच्छी तरीके से गर्म हो गया है और इसमें तेल अच्छे से गर्म हो जाए तभी डालिए, नहीं तो हो सकता है
आपका ये नाश्ता फट भी सकता है। तो सारे मैंने इस तरीके से डाल दिए हैं, अब इनको दूसरे साइड पलट देंगे, क्योंकि दोनों साइड अच्छे से गोल्डन कलर आने तक हम इनको पकाएंगे। तो जो हमने पहले डाले हैं उनको पलट देंगे ताकि वो अच्छी तरीके से पक जाए। अब दूसरे टाइप का नाश्ता मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से एक पेड़ा ले लेंगे, मतलब लोई जो भी आप बोलते हो, उसको फैला के इसमें अंदर से चीज़ भर देंगे। ये जो मोजरेला चीज़ आती है ना, जो पिज्जा वाली चीज़ होती है, ये आपके पास स्लाइस है, कुछ भी है, आप उसको इसमें डाल सकते हैं। और इस तरीके से जैसे कचौड़ी हम राउंड सर्कल कर देते हैं या लड्डू जैसे बनाते हैं, उस तरीके से आप कोई भी शेप दे सकते हैं। आप चाहिए तो टिक्की जैसे बना सकते हैं या लड्डू जैसे बना सकते हैं, बट मैं इसको चीज़ बॉल का शेप दे रही हूँ। तो ये देखिए, ये भी बन के तैयार हो गए हैं। और इधर जो हमने पहले नाश्ता बनाया था वो भी पक चुका है। तो दूसरे साइड और इनको पलट के थोड़ा डार्क गोल्डन कलर ले आएंगे ताकि ये खाने में बहुत ज़्यादा क्रंची और बहुत ही डिलीशियस लगे। तो इन सारे नाश्ते को मैं ऐसे पलट दूंगी और फिर इसमें ये जो हमने चीज़ वाले बॉल बनाए हुए हैं इनको भी साइड में रख देंगे ताकि ये भी साइड में पकते जाएँ। तो जितने आएंगे बॉल उतने मैं अभी रख दूंगी। और जो इसमें नाश्ता हमारा पक चुका है इसको हम बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर या आपको जैसा कलर चाहिए उतना अगर पक जाए तो देखिए ये कितना दिखने में अच्छे लग रहे हैं, और सोचिए खाने में कितने ज़्यादा टेस्टी बने होंगे। देखिए बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इसको आपने एक कप पोहे से बनाया है, ये लग रहा है बिल्कुल मार्केट से हम खरीद के लेके आए हैं। और इसमें आप जब भी बना के परोसेंगे कोई जान ही नहीं पाएगा कि आपने इसको कैसे बनाया है। तो चलिए अभी ये जो बाकी के भी पक गए हैं, देखिए मैं कलर दिखा रही हूँ कितना अच्छा कलर आया है, और सारे चीज़ बॉल भी हमारे पक गए हैं। और देखिए चीज़ हमारी मेल्ट होके फूट फूट के बाहर निकल रही है, बिल्कुल जैसे चीज़ बॉल होते हैं ना उस तरीके से ये फट फट के बाहर निकल रही, इतनी ज़्यादा चीज़ी लगती है। और बच्चे इस नाश्ते को तो भरपेट खाएंगे और बिल्कुल भी नानुकार नहीं करेंगे अगर आप टिफ़िन बॉक्स में या सैटरडे संडे को बना रहे हैं। तो ये एक कप पोहे का नाश्ता दो तरह का हमारा बन के तैयार है। देखिए चीज़ कैसे बाहर निकल रही, दिख रही, अभी मैं आपको तोड़ के दिखाऊँगी इसको। तो ये देखिए यहाँ पर कितना सुपर डिलीशियस चीज़ बॉल और स्क्वायर शेप वाला नाश्ता बनके तैयार है, जिसको हमने एक कप पोहे से बनाया हुआ है। और ये इतना ज़्यादा चीज़ी, इतना ज़्यादा क्रंची है, देखिए चीज़ कैसे बिल्कुल लग रही है ना जैसे हम मार्केट में खाते हैं या किसी पिज्ज़ा में कुछ भी चीज़ वाला रहता है तो बच्चे कितना इन्जॉय करते हैं। तो ये रेसिपी अगर आप बनाएंगे तो बच्चे इसी तरीके से इन्जॉय करेंगे। देखिए मैं तोड़ तोड़ के दिखाती हूँ कितना ज़्यादा चीज़ी ये बना हुआ है। मैंने इस नाश्ते को बनाया तो बच्चे बड़ों सब ने बहुत ही इन्जॉय किया। आप भी एक बार ज़रूर अपने घर पर ये नाश्ता ट्राई कीजिए और फिर मुझे कमेंट्स करके बताइए कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो एक वीडियो को लाइक कर देना, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ। उसके पहले बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं नई रेसिपी डालूंगी उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।